क्या आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो गया है? पिछले दिनों की अपेक्षा वर्तमान समय में आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ आपको ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिन कारणों की वजह से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हुआ है। दूसरी बात कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका ट्रैफिक वापस आ जाए, जितना पहले चल रहा था शायद उससे ज्यादा भी हो जाए या फिर उतना ट्रैफिक हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक घटने का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि गूगल का कोई नया अपडेट आया हो। हाँ दोस्तों, आपको गूगल के नए अपडेट पर भी ध्यान देना होगा। नए अपडेट का पता लगाने के लिए आपको ट्विटर पर गूगल का जो ओरिजिनल पेज बना है उसे सर्च करना होगा और उसे दोस्तों फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको आने वाले नए अपडेट का अपडेट मिल सकेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप वहां ट्विटर पर गूगल के नए अपडेट का पता लगा सकते हैं या फिर ट्विटर पर अब जाकर आप गूगल के नए अपडेट को देख सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा अपडेट तो नहीं आया जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो गया हो। दोस्तों, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक घटने का सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि अब वर्तमान समय में जो पोस्ट आप डाल रहे हैं दोस्तों, उन पोस्टों में पिछले पोस्ट की अपेक्षा कम कीवर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जैसा कि पहले जो पोस्ट डाली उनमें अधिक से अधिक कीवर्ड यूज कर रहे थे या फिर ऐसे कीवर्ड यूज कर रहे थे जो कि लोग अधिक से अधिक सर्च करते हैं या फिर भी सर्च इंजन में आते हैं, जिसके कारण आपका ट्रैफिक पिछले ज्यादा आ रहा था। लेकिन वर्तमान समय में आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप कम कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पोस्ट के अंदर या फिर ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो जिन्हें कोई भी सर्च नहीं करता। तो यह भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो गया है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से भी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो जाता है, कॉपी कंटेंट। हाँ दोस्तों, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि पोस्ट जल्दी लिखने के चक्कर में आप किसी पोस्ट को दोस्तों कॉपी कर रहे हो, यानी कि किसी दूसरे की पोस्ट को कॉपी कर रहे हो सेम टू सेम या फिर 50% या फिर इससे भी कम। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी के कंटेंट को कॉपी करते हैं तो दोस्तों, जिस दिन गूगल को पता चल गया कि आप किसी के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं तो दोस्तों उस दिन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी, आपका ट्रैफिक भी डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, यह भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को डाउन होने का। तो दोस्तों, अगर इनमें से आपका कोई कारण नहीं है या फिर है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वेबसाइट पर ट्रैफिक डाउन होने का सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप पहले अन्य कैटेगरी की पोस्ट डालते होंगे और अब आपने कैटेगरी चेंज कर दी, यानी कि किसी दूसरी कैटेगरी की पोस्ट डाल रहे हैं। तो दोस्तों, यह भी कारण हो सकता है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक डाउन का, यानी कि आपका जिस कैटेगरी पर ट्रैफिक आ रहा था उसे छोड़कर आप किसी दूसरी कैटेगरी को पकड़ रहे होंगे, इस वजह से भी आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। अगला सबसे बड़ा कारण जो कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक एकदम से डाउन कर देगा, हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आप वर्तमान समय में अपनी साइट पर कम ध्यान दे रहे हो, यानी कि पहले रेगुलर काम कर रहे थे या फिर एक दिन में अधिक पोस्ट डाल रहे थे जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन अब वर्तमान समय में आपने पोस्ट भी कम कर दी और मेहनत कम करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, यह भी कारण हो सकता है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम आने का। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार हमारा ट्रैफिक डाउन हो गया है तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने ट्रैफिक को वापस ला सकें, यानी कि पहले जो ट्रैफिक आ रहा था उतना ही ट्रैफिक वापस से आ सके या फिर उससे ज्यादा आ सके। तो दोस्तों, यह एकदम सिंपल उपाय है कि आपको प्रत्येक दिन अपनी साइट को अपडेट करना होगा। अपडेट का मतलब दोस्तों, आपको पोस्ट पब्लिश करनी होगी। हाँ दोस्तों, आप अगर एक दिन छोड़कर पोस्ट डाल रहे होंगे तो आपको रेगुलर काम करना चालू कर देना होगा। इस कारण से भी आपका ट्रैफिक वापस आ सकता है और ट्रैफिक आपका पिछले दिनों की अपेक्षा बढ़ भी सकता है अगर आप रेगुलर अपडेट देते हो अपनी साइट को और गूगल को। दो चार दिन आपको ऐसा भी लग सकता है कि हम चार पांच दिन से काम कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते जाना है। अगर आपका ट्रैफिक डाउन हो गया तो दोस्तों, आपको
एक मंथ भी लग सकता है वह ट्रैफिक वापस लाने में। आपको लगातार मेहनत करनी होगी, रुकना नहीं है। अगली सबसे बड़ी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप ट्रैफिक वापस ला सकते हैं। अब आपको लगातार कई दिन हो चुके हैं रेगुलर काम करते करते, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अब पता चल गया है कि आपकी किस प्रकार की पोस्ट पर व्यूज आ रहे हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको उन कीवर्ड्स को और उन पोस्ट के नाम को, टाइटल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है जिससे आपको यह पता चल सके कि हमें इस प्रकार का कंटेंट डालना है। दोस्तों उसके बाद आपके जिस पोस्ट पर व्यू जा रहे हैं उससे संबंधित आप पोस्ट डालना चालू कर दीजिए, तो दोस्तों आपका ट्रैफिक वापस आ जाएगा और रेगुलर काम करने से भी आपकी वेबसाइट अपडेट रहेगी और इस कारण से प्रत्येक दिन गूगल के लिए मैसेज पहुंचेगा और उसके बाद गूगल भी आपकी साइट पर ध्यान देगा और गूगल को भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा रेगुलर काम कर रहा है और इस वजह से गूगल आपकी पोस्ट को फिर से रैंक करना चालू कर देगा और इससे आपका ट्रैफिक वापस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपका ट्रैफिक डाउन हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। अगर आपको इनके अलावा कोई और समस्या आ रही है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद।